नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार सिंह और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्पोर्ट्स एंड फिटनेस टिप्स पे, जहां पर होती है रनिंग और फिटनेस से जुड़ी 100% सही बातें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने जो हमारा खाना है उसके ऊपर वीडियो बना रहा था, जो डाइट है हमारे, खास करके हमारे जो आर्मी के भाई उनके लिए और जो रनिंग करते हैं उनके लिए मैंने डाइट बनाया था। तो उसमें आपको मैंने ब्रेकफास्ट बता दिया और लंच बता दिया। अगर अभी तक आपने नहीं चेक किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर एक बार जरूर चेक करें। ये हमारा तीसरा पार्ट जो कि है डिनर के ऊपर, ठीक है, रात के खाने के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना आपका समय लिए हुए। देखिए, रात के खाने से पहले हम आपको बता दें, जब आप ग्राउंड में रहते हैं शाम में, उस समय आपको क्या खाने पीने पर ध्यान देना है वो देखिए। जब आपका वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, ग्राउंड में, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 45 से 50 मिनट के अंदर आपके बॉडी में 1 लीटर पानी जरूर जाना चाहिए, ठीक है, जिससे आपका रिकवरी प्रोसेस भी बहुत अच्छा हो जाएगा और आपका जॉइंट पेन वगैरह नहीं होगा, ठीक है भाई। और आपके बॉडी में ओवरऑल वाटर की कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है, कभी भी आपका जो यूरिन है, आपका जो टॉयलेट है, वो पीला नहीं होना चाहिए, इतना कम से कम आप ध्यान रखें। और आपको पता ही है वाटर का कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है हमारे ज़िंदगी में, और वाटर से रिलेटेड मैं एक वीडियो जल्द लाऊंगा, इसमें मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा कि कितना पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्त, अब हमको आगे बताते हैं। देखिए, वाटर पीने के बाद आप क्या कर सकते हो, जब ग्राउंड से निकलते हो तो उस समय आप एक सेब को खा सकते हो, ठीक है, जो आपका थकान वगैरह वो थोड़ा सा दूर करने में आपको हेल्प करेगा। उसके बाद आप घर आते हो, ठीक है, 6:30-7 बजे जब आप घर आते हो, तो उस समय आप क्या कर सकते हो, उसमें हमें सबसे ज़्यादा भूख लगती है, तो उस समय हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला जो ऑप्शन है वो अंडा, ठीक है, अंडा को आप खा सकते हो, 3 से 4 अंडा आप उपयोग कर सकते हो अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। और पीले वाला भाग है उसको नहीं फेंकना मेरे भाई, इसके बारे में बहुत ज़्यादा मिथ फैला हुआ कि पीला वाला भाग नहीं खाना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है भाई, उसमें हेल्दी फैट होता है और वो हमारे आँख के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है, ठीक है। तो आप पीला वाला कम से कम आप अगर 4 अंडा खाते हैं तो 3 पीला वाला पार्ट जरूर खाएं, ठीक है, वो हमारे आँख के लिए बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छा हेल्दी फैट होता है उसमें, जो कि आपका रनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है भाई। उसके बाद आप दूसरा ऑप्शन से आपके पास पीनट बटर और ब्राउन ब्रेड, ठीक है, पीनट बटर ये और ब्राउन ब्रेड, अगर ब्राउन ब्रेड नहीं है तो कोई ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है, आप जो रोटी होता है घर में, आप माँ को बोले दोपहर का रोटी या सुबह का रोटी एक बचा देने, आप उसी को शाम में आकर 1 चम्मच पीनट बटर के साथ आप खा सकते हो। और पीनट बटर का बहुत सारा ब्रांड है, लेकिन आप कोशिश करें कि जो नेचुरल हो, ठीक है, जिसमें प्रिजर्वेटिव केमिकल शुगर वगैरह ज़्यादा नहीं मिलाएगा, आप वैसा कोशिश करें। मुझे यहाँ पर नहीं मिल पाया इसलिए मैं यही वाला लेके आया, ये इतना ज़्यादा अच्छा है नहीं लेकिन काम चलाऊ तो है, ठीक है। आप कोशिश कीजिए नेचुरल पीनट बटर लेने का, जो कि नेचुरल बनाया गया है, जिसमें बताया कि केमिकल प्रिजर्वेटिव आपका शुगर वगैरह या सॉल्ट वगैरह ज़्यादा ऐड नहीं हो, वो कोशिश करें, ठीक है। और जितना ज़्यादा नेचुरल होगा उतना ज़्यादा अच्छा है, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। और इसमें आप पीनट बटर को आप घर में भी बना सकते हो, ठीक है, इसमें अच्छा मात्रा में प्रोटीन होता है, हेल्दी फैट होता है, जो कि आपका रनिंग परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़्यादा मददगार रहता है। इसको अगर पीनट बटर को आपको घर में बनाना नहीं आता है तो बोलिएगा, मैं इसका घर में बनाकर आपको रेसिपी पूरा समझा दूंगा अच्छे से कि पीनट बटर घर में कैसे बनाया जाता है, और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है रनिंग में, ठीक है। अब जो हमारे पास तीसरा ऑप्शन है वो है हमारे पास पनीर का टुकड़ा, ठीक है, अगर पनीर का टुकड़ा अगर हो सके आप उपयोग कर सकते हो तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ है, अगर आप उसका उपयोग कर पाओ, नहीं तो ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर, ठीक है। पीनट बटर का बहुत सारा कंपनियां हैं, लेकिन आप कोशिश करें नेचुरल, जो नेचुरल इसमें कुछ एडेड नहीं हो, वो ऐसा लेने का, ठीक है भाई। तो चलिए हम आपको आगे बताते हैं, आगे आपका क्या है कि आपको मैंने 3 ऑप्शन बता दिया, अंडा, ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर, तीसरा ऑप्शन पनीर का टुकड़ा आप उपयोग कर सकते हो, जिसमें अच्छे मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम वगैरह रहता है, जो कि आपका रनिंग परफॉर्मेंस, आपका स्पीड बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं डिनर। देखिए, रात का खाना में आपको क्या करना है कि आपको रात का खाना बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, ठीक है। और पानी से मुझे याद आया, ये पानी मैं आपको बताने वाला था कि ग्राउंड में बहुत लड़के क्या करते हैं कि पानी नहीं लेके जाते, अपने दोस्त से मांगते भाई पानी दे दे यार, पानी दे दे। तो भाई, पानी अगर लेके नहीं जाते तो फिर आप ग्राउंड क्यों जाते हो, आपका ग्राउंड जाने का कोई मतलब ही नहीं समझ में आता है कि आपको मतलब अच्छा करना ही नहीं है स्पोर्ट्स में ना। अगर जिनको अच्छा करना है उनको खुद दिक्कत होता है कि भाई आपको पता ही है पानी का कितना ज़्यादा ज़रूरत है, तो ग्राउंड में आप अपना पानी लेके जाया करें, दूसरों का उपयोग ना किया करें, चाहे वो आपका कितना अच्छा दोस्त भी क्यों ना हो, लेकिन उसको बुरा लगता है, ठीक है भाई। तो पानी अपना लेके जरूर जाया करें। अब मैं आपको बता दे रहा डिनर। देखिए, डिनर में रात में खाने में आपको क्या करना है, ज़्यादा नहीं खाना है, रोटी रखें, ग्रीन वेजिटेबल रखें,
हो सके तो पनीर का सब्जी अगर हो सके तो लें, या फिर आप चिकन हो सके हल्का, या फिर फिश हो सके तो ये सब का उपयोग करें, या फिर मशरूम का उपयोग करें, ठीक है। और खाना खाने के बाद आपको डायरेक्ट सोने नहीं चले जाना है, ठीक है। 3 से 5 मिनट पहले चल लेना इधर उधर, छत पर चल जाए, नीचे आ जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 मिनट के लिए वज्रासन में बैठ जाना है, ठीक है। जो भी आपका खाना खाया उसमें पचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, और आपका जो भी डाइजेशन की प्रॉब्लम है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। आपका बैक को ही मजबूत करेगा, और आपका जो पोस्चर हो जाता है टेढ़ा मेढ़ा आगे हो जाना, जिसको काइफोसिस बोलते हैं हम लोग, स्कॉलिसिस लोरोसिस बोलते हैं, ठीक है, वो चीज़ आपका नहीं होगा। तो अब हम आपको बताते हैं, ये चीज़ हो गया इतना आपको डिनर भी समझ में आएगा। उसके बाद वो क्या करना, रात में बेड में जाने से पहले, ठीक है, बेड में जाने से कम 10 से 15 मिनट पहले आप क्या करें कि दूध जो होता है, ठीक है, दूध में अच्छे मात्रा में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कैल्शियम रहता है, जो कि आपका स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो दूध में आप क्या कर सकते हैं, अश्वगंधा पाउडर का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये अश्वगंधा अगर पाउडर नहीं है तो आप टेबलेट का भी उपयोग कर सकते हैं, 1 या 2 टेबलेट दिन भर में ले सकते हैं। और अश्वगंधा पाउडर का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, आपका मसल्स का स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, ठीक है, आपका बोन डेंसिटी अच्छा कर देता है, आपका जॉइंट पेन को थोड़ा रिलीव करता है, आपका रिकवरी प्रोसेस को अच्छा कर देता है। और ऐसे अश्वगंधा के ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है कि क्या क्या फ़ायदा है रनिंग में, अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है, जाके एक बार ज़रूर चेक कर लें। तो अब आया बात कि जूस, देखिए आप दिन भर में 1 गिलास जूस का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, और बीट का जूस हो चुकंदर का तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपका स्टेमिना बढ़ाने में, ठीक है भाइयों। तो बीट का अगर जूस ले पाओ तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ है, आपका स्टेमिना भी बढ़ाएगा, आपका स्पीड भी बढ़ाएगा, आप इसको एज ए प्री वर्कआउट में भी उपयोग कर सकते हो, ये बीट का जूस है, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, बीट और गाजर मिक्स कर सकते हैं, या अनार, आपका खून की कमी वो भी दूर करेगा, हेमोग्लोबिन की कमी आपके शरीर में वो भी दूर करेगा, ठीक है। या फिर मौसमी का जूस, दिन भर में 1 गिलास अगर जूस आप कोई भी ले पाओ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों यही था हमारा डिनर के ऊपर वीडियो, हमारे रात के खाने के ऊपर वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है, मैं आपका वहाँ पर सॉल्व कर दूंगा प्रॉब्लम। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।